हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सिमरन को उसके पति माधव की बिगड़ती मानसिक हालत की जानकारी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने 7 महीने के बच्चे को अकेला उसके साथ छोड़ दिया था। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर उसकी मजबूरी थी। उसके घर पर नवंबर की गुनगुनी धूप दस्तक दे रही थी। घर में चारों तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ था। 7 महीने का बच्चा, जिसका अभी नाम भी नहीं रखा गया था, वो अपनी मासूम सी नींद से अचानक जाग जाता है और रोना शुरू करता है। उसके रोने की आवाज सुनकर माधव कमरे के कोने से खड़ा होता है और उसके पास आता है। वो हाथों के इशारों से उसे चुप होने के लिए कहता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। माधव की आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। वो अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो और तेज रोना शुरू कर देता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना वो आ जाएगा। मगर वो बच्चा और तेज रोना शुरू कर देता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना। अचानक घर में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद जब शाम को सिमरन घर आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा बिस्तर पर नहीं है, और माधव से पूछने पर वो कहता है, वो रो रहा था तो मैंने उसे चुप करा दिया। सिमरन कुछ देर के लिए सन्न खड़ी रह जाती है और फिर गुस्से में माधव की गर्दन पकड़ लेती है। कहाँ है, क्या किया है तुमने उसके साथ? अगर मुझे मेरा बेटा नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। माधव जवाब दो, बताओ हमारा बेटा कहाँ है? माधव प्लीज, माधव प्लीज। माधव के मुंह से नशे की बू आ रही थी और वो बस धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। वो रो रहा था तो मैंने उसे चुप करवा दिया। सरकारी रिहैब सेंटर की वैन में वरुण और स्वामी माधव के घर जा रहे थे। ये महीने का पहला पेशेंट था जिसे लेने के लिए उनके घर जाना पड़ रहा था। जब कभी पेशेंट बेकाबू हो जाता है या केंद्र आने की उसकी परिस्थिति नहीं होती है, तब रिहैब सेंटर से वरुण और स्वामी उसे लेने जाते हैं। कुछ समय पहले वहां सिमरन का फोन आया था, जिसने बताया था कि नशे की वजह से उसके पति का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उसने अपने बच्चे के साथ कुछ गलत किया है। क्या कोई बाप अपने बच्चे को मार सकता है? इंसान नशे में कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब? अगर उसने हमें मार दिया तो क्या होगा? हमारे पास तो कोई सेफ्टी भी नहीं है। इसलिए मैं अकेला आना ही पसंद करता हूँ। अब घबराओ मत, मैं तुम्हें जिंदा लेकर आऊंगा। जिंदा मतलब क्या है आपका? वरुण स्वामी का डरा हुआ चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ घंटों बाद उसकी गाड़ी शहर से दूर एक रिजॉर्ट के बाहर रुकती है। चारों तरफ खेत और खालीपन देखकर दोनों हैरान हो गए थे। उन्होंने गेट खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुलता है, हेलो मैम, हम लोग रिहैब सेंटर से आए हैं। मेरा नाम स्वामी है और ये है हमारे सर वरुण। शायद आपका ही फोन आया था, कहाँ है पेशेंट? हाँ, मैंने ही फोन किया था। मेरा नाम सिमरन है और प्लीज, वो मेरे पति हैं, कोई पेशेंट नहीं है। उनका नाम माधव है। कुछ देर पहले वो बेकाबू हो गए, इसीलिए उन्हें कमरे में बंद रखा हुआ है। ठीक है, लेकर चलिए आपके पति माधव के पास। वह घर बाहर से दिखने में छोटा दिख रहा था, लेकिन उस घर में अंदर कई कमरे बने हुए थे। आश्चर्य की बात थी कि सभी कमरों में एक खिड़की थी जो बंद थी, और एक बड़ी लकड़ी की अलमारी। एक कमरे का आधा दरवाजा खुला हुआ था। वरुण सरसरी नजर से देखता है कि उस कमरे में एक बच्चे का पलंग रखा हुआ था। वो आगे बढ़ते हैं और दूसरे कमरे में जाते हैं। वहां भी लकड़ी की अलमारी थी और एक बड़ा पलंग, जिसके नीचे माधव 30-35 साल का एक जवान कमजोर दिखने वाला आदमी बच्चों की तरह छुपा हुआ था। सिमरन उसे बाहर बुलाती है। माधव, माधव बाहर निकल आओ, हमसे मिलने दोस्त आए हैं, वो लोग तुम्हारे लिए कुछ लाए भी हैं। माधव बाहर निकलता है और वरुण और स्वामी को देखकर डर जाता है। ये लोग कौन है? ये हमारे नए दोस्त हैं और ये तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं। तुम इनके साथ जाओगे तो ये तुम्हें जो मांगोगे वो देंगे। माधव चलने के लिए राजी हो जाता है। वरुण उसके पीछे चलता रहता है। जैसे ही माधव कमरे के बाहर कदम रखता है, नहीं, मैं अगर तुम्हारे साथ चला गया तो वो अकेला रह जाएगा,
मैं नहीं जाऊंगा। वो स्वामी का हाथ झटक कर मुड़ता है और वरुण को धक्का देकर फिर से बिस्तर के नीचे चला जाता है। वरुण माधव की हालत देखकर स्वामी से जोर से कहता है, स्वामी रस्सी निकाल। सिर्फ इतना कहने पर स्वामी रस्सी निकालता है और वरुण माधव को खींचते हुए पलंग से बाहर निकालता है। माधव का शरीर कमजोर हो गया था, वरुण ने आसानी से उसकी कमर पकड़ी हुई थी। स्वामी उसके हाथों में रस्सी बांध रहा था और माधव बुरी तरह छटपटा रहा था। तभी जैसे ही स्वामी माधव के पैर बांधने के लिए झुकता है, माधव स्वामी को बुरी तरह से पैर मार देता है। दूर हो जाओ, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। वरुण और स्वामी वापस कोशिश करते हैं और इस बार माधव के हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं। दोनों पसीना पसीना हो जाते हैं। स्वामी अपना मुंह और हाथ धोने के लिए बाथरूम की ओर जाता है। हांफते हुए वरुण सिमरन से पूछता है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? कोई भी नशे करने वाला आदमी इस तरह पागल तो नहीं हो जाता? वो अनजान लोगों को देखकर डर जाते हैं। लेकिन आपने बताया था कि इसने आपके बच्चे को जान से मारना चाहा था, कहाँ है वो? वो अभी सो रहा है। वरुण को सिमरन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वरुण आगे बढ़ता है और कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में जाता है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा? रुक जाओ। वरुण कोई जवाब नहीं देता है और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है और बच्चे के पलंग में देखता है कि वहां कोई बच्चा नहीं है। आखिर क्या चल रहा है? क्या छुपा रहे हो तुम लोग? स्वामी स्वामी चलो। देखिए मैं आपको सब सच बता देती हूँ, मेरे बच्चे को माधव ने कहीं छुपा दिया है। कुछ देर पहले की बात है, मैं घर से बाहर गई थी, जब लौटी तो मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। माधव के मुंह से नशे की बू आ रही थी और वो बस धीमे धीमे मुस्कुराए जा रहा था। माधव के जवाब की उम्मीद छोड़कर मैंने घर में अपने बच्चे को खोजना शुरू किया, कमरे में, सीढ़ियों के पास, घर के अंदर से लेकर बाहर, लेकिन बच्चा कहीं नहीं था। माधव के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाई, लेकिन माधव ने कुछ नहीं बताया। देखिए ये पुलिस का केस है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको तुरंत उन्हें बुलाना चाहिए था। देखिए ये उसका कोई मजाक भी हो सकता है, मुझे यकीन है कि मेरा बेटा जिंदा है। पुलिस आएगी तो वो माधव को जेल में बंद कर देगी। उसकी जान बचाने के लिए तो आप लोगों को बुलाया है। उसका नशा कम होगा और दिमागी स्थिति सही होने पर वो सब कुछ सच बता देगा, मुझे भरोसा है। सिमरन पागलों की तरह बोल रही थी। तभी स्वामी दूसरे कमरे से बाहर आता है। पूरे घर में पानी की एक बूंद नहीं आ रही है, लगता है पानी की टंकी जाम हो गई है, कुछ फंस गया होगा। वरुण सिमरन को भौचक्के से देखता है और पूछता है, क्या आपने पानी की टंकी में देखा था? सिमरन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो जैसे ही सर ना में हिलाती है, तीनों घर की छत की तरफ भागते हुए जाते हैं। वरुण पानी की टंकी में झांकता है और देखता है कि बच्चे के शरीर के टुकड़े टुकड़े पानी में पड़े हुए हैं और उसका एक हाथ पानी के वाल्व में फंसा हुआ है। जैसे ही सिमरन को बात पता चलती है, वह चीख चीख कर रोना शुरू कर देती है। क्या माधव ने नशे की हालत में अपने ही बच्चे को मारा होगा? कौन है जिससे माधव इतना डर रहा है? माधव के दिमाग पर नशा हावी है या साया? जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें इस कहानी का अगला भाग। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस दुनिया के अंदर ना जाने ऐसी कितनी जगह है जहां पर जाने के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप उठती है। उन जगहों पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं सामान्य दुनिया की बातों से बिल्कुल परे होती है। कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर अधिकतर भूत, प्रेत और आत्माओं का साया मौजूद होता है। ऐसे ही एक घर की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर घटी भयानक भूतिया घटनाओं पर एक नोबेल और हॉलीवुड की 17 मूवीज बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं एमिटी विले के उस भूतिया घर की, जिसे लोग एमिटी विले हॉन्टेड हाउस के नाम से जानते हैं, और उस घर के पीछे छिपे काले और डरावने दिल दहला देने वाले रहस्यों की। ये बात है आज से 49 साल पुरानी, साल 1975 की, जब हस्बैंड जॉर्ज और वाइफ कैथलीन लूड्स एक घर की तलाश कर रहे थे। तब उन्हें न्यूयॉर्क सिटी के पास लॉन्ग आइलैंड के एमिटी विले विलेज में एक घर बहुत ही सस्ते दाम में मिल गया, जिसका एड्रेस था एमिटी विले 12 ओशियन एवेन्यू,
साउथ ऑफ लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क। लूज फैमिली अभी उस घर में नई नई ही शिफ्ट हुई थी, लेकिन उनके वहां शिफ्ट होते ही उन्हें वहां कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। उन्हें हर समय यह महसूस होता था कि उस घर के अंदर उनके परिवार के अलावा कोई और भी मौजूद है। उन्हें कई बार अपने घर में बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई हर समय उन सभी पर नजर रखे हुए है। एक रात जॉर्ज और कैथलीन जब अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी अचानक जॉर्ज की आंख खुल गई, लेकिन उसने जैसे ही अपनी आंखों के सामने का मंजर को देखा तो डर के मारे उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का शरीर हवा में झूल रहा था, जो उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। डरा सहमा जॉर्ज अपने बिस्तर पर लेटा हुआ लगातार बस एक टक कैथलीन को देख रहा था कि तभी अचानक कैथलीन का हवा में उड़ता शरीर खुद ब खुद उसके बिस्तर पर। एक आम इंसान के लिए यह घटना बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी, इसलिए इस घटना से जॉर्ज बुरी तरह से डर गया। उन लोगों को उस घर में हमेशा किसी साए का एहसास जरूर होता था, लेकिन आज तो जॉर्ज ने ऐसी घटना अपनी आंखों के सामने होते देखी थी। वो दोनों उस घर में अपने दो बेटे डेनियल और क्रिस्टोफर और बेटी मिसी के साथ रहते थे। एक बार जॉर्ज अपने घर के बाहर गार्डन में टहल रहा था कि तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी। वो उस वक्त अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर किसी से बातें करती हुए हंस रही थी, लेकिन जब जॉर्ज ने ध्यान से उसकी तरफ देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे की खिड़की पर उसकी बेटी मिसी के अलावा वहां और कोई भी नहीं था। तो आखिर वो किससे बातें करती हुई हंस रही थी? इसके साथ ही एक अजीब चीज जो लूड्स फैमिली ने नोटिस की वो ये थी कि उस घर की बेसमेंट में छिपा हुआ एक कमरा जो घर खरीदते समय उस घर के मैप में नहीं था। हर बीतते दिन के साथ अब उस घर में ये घटनाएं बढ़ने लगी थी। उस घर में बहुत सी जगह पर अचानक से उन्हें ठंडी हवाएं महसूस होने लगी, जो कि उन्हें वहां किसी साए की मौजूदगी का एहसास कराने लगी। धीरे धीरे उनके परिवार में उन सब की तबीयत भी खराब होने लगी, इसलिए जॉर्ज ने उस घर को ब्लेस करवाने के लिए चर्च के फादर को अपने घर पर बुलाया। लेकिन फादर ने जैसे ही उस घर में कदम रखा तो वो समझ गए कि इस घर के अंदर कोई ना कोई बुरी शक्ति जरूर है, इसलिए वो बाइबल के वचनों को बोलते हुए चर्च का होली वाटर वहां छिड़कने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तभी अचानक उनके शरीर पर अजीब अजीब आकृतियों वाले धब्बे बनने लगे, और अचानक से उन्हें अपने साथ कुछ बहुत ही अजीब चीजों का एहसास होने लगा। उस घर को ब्लेस करते समय फादर भी बुरी तरह घबरा गए और वो डर के मारे उस घर से बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनके शरीर पर पड़े वो अजीब सी आकृतियों वाले धब्बे अब गहरे घाव बन चुके थे। अपने साथ हुए इस हादसे के बाद फादर इस हद तक डर गए कि उन्होंने कभी दोबारा इस घर में वापस आने की हिम्मत नहीं की। इन सभी हुए हादसों के बाद लूड्स फैमिली बेहद बुरी तरह डर चुकी थी। वो समझ गए थे कि अगर उन्होंने एक और रात भी इस घर में बिताई तो बात उनकी जान पर बन सकती है। लूड्स फैमिली 28 दिन तक ही उस घर में रह पाए, और एक दिन वो बिना अपना सामान तक पैक किए ही अचानक उस घर को छोड़कर वहां से कहीं दूर चले गए। लूज फैमिली के इस घर को छोड़ने के बाद इस घर में हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की खबर बहुत तेजी से फैलने लगी, इसलिए उस समय के जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हस्बैंड वाइफ ईडी वॉरन और लरीन वॉरन ने उस घर की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें उन्हें वहां बहुत सी आत्माओं के होने के साइंस भी मिले। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते समय अपने कैमरा से उस घर की कुछ पिक्चर्स भी ली, जिसमें उन्हें एक बच्ची की आत्मा साफ साफ दिखाई दी। लेकिन आखिर उस घर में हो रही इन सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पीछे क्या कहानी थी? अगर हम लूज फैमिली के इस घर में शिफ्ट होने से ठीक एक साल पहले की बात करें तो इस घर में साल 1974 में डीफियो फैमिली रहती थी, जहां 23 साल का रोनाल्ड अपने माता पिता, दो छोटे भाइयों और दो छोटी बहनों के साथ रहता था। लेकिन एक रात अचानक उसने रात के 3:15 में उठकर अपने घर के सभी 6 सदस्यों को गन से शूट कर मार दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके घर के पास रहने वाले किसी भी पड़ोसी को गन के फायर होने की आवाज तक सुनाई नहीं दी। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि अपने ही परिवार को मारने के बाद जब अगले दिन रोनाल्ड काम से अपने घर लौटा तो वो अपने घर वालों की डेड बॉडीज को देखकर हैरान परेशान हो गया, और उसने पुलिस को कॉल करके अपने घर पर बुलाया।
सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब पुलिस को इस फैमिली के मर्डर के पीछे का कोई मोटिव समझ नहीं आया तो उनका शक सीधा रोनाल्ड पर गया। जब पुलिस ने रोनाल्ड से कड़ी पूछताछ की तो रोनाल्ड के दिए गए बयान पर खुद पुलिस भी यकीन नहीं कर पाई। रोनाल्ड ने यह कबूल कर लिया था कि उसके सभी फैमिली मेंबर्स को उसने अपने हाथों से मारा है, लेकिन उसका कहना था कि उसने ये सब कुछ अपने होश में नहीं किया, बल्कि ये घर उसे उसके परिवार की जान लेने के लिए उसका आता था। घर की दीवारों से उसे ये आवाजें आती थी जो उसे उसके परिवार को मारने के लिए कहती थी। रोनाल्ड की इन बातों पर यकीन करना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था, इसलिए उन्होंने रोनाल्ड को गिरफ्तार करके 6 लोगों के कत्ल के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन इस घर की ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब वॉरेंस ने गहराई से इस घर की हिस्ट्री के बारे में जाना तो जो उन्हें पता चला वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। उन्होंने बताया कि साल 1924 में इस घर पर एक कॉटेज हुआ करता था जहां जॉन नाम का एक आदमी काले जादू से जुड़ी तांत्रिक क्रियाएं करता था, जिसकी मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को उसी कॉटेज के नीचे दफन कर दिया गया था। और सिर्फ यही नहीं, अपनी इन्वेस्टिगेशन में वॉरेंस को इस घर के बारे में ये भी पता चला कि कई सालों पहले इस जगह पर पागलों लोगों को रखा जाता था और उनके मर जाने के बाद उन सभी को इसी जमीन के नीचे दफना दिया गया था। और शायद इसीलिए यह घर एक नहीं बल्कि बहुत सी आत्माओं की चपेट में था। और शायद यही कारण है कि इस घर को दुनिया के सबसे हॉन्टेड घरों में से एक माना जाता है। अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से मशहूर यह घर आज भी उसी जगह पर मौजूद है। अगर आपको कभी उस घर में एक रात रुकने का मौका मिले तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।